वही बीते दिनों बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब बद्रीनाथ सीट पर कभी भी उपचुनाव हो सकते हैं। वही जनता में उपचुनाव को लेकर खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। जनता का कहना है कि राजेंद्र भंडारी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है, उल्टा उनकी वजह से अब उपचुनाव होंगे। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा पे चुनाव होना नहीं है, थोपा गया है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस विधायक निवर्तमान राजेंद्र भंडारी जी ने ये कह करके कांग्रेस छोड़े कि मेरे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। विधायक इसलिए नहीं चुना जाता कि उसके निजी अपने ही कार्यकर्ता हों, पूरे क्षेत्र की विधानसभा के लोग उसके सम्मानित कार्यकर्ता और सम्मानित जनता होती है। माननीय विधायक जी ने यह कहा कि मेरे अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं भाजपा में जा रहा हूँ। अगर विधायक जी को अपने क्षेत्र के कार्यक्रम करने होते और ये विकास कार्य करने होते तो वो सरकार से लड़ भिड़ जन आंदोलन के सहारे भी एक सरकार से लड़के अपने विकास की कार्य प्रणाली को चला सकते थे। लेकिन विधायक के जीते जी की कस तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो पार्टी बदल करके चुनाव के लिए जनता को धकेलने की बात हो रही है। वैचारिकता किसी के रह नहीं गई है, राजनीति में वैचारिकता खत्म हो गई है और कहीं भी कोई भी चला जा रहा है। अब जनता के मुद्दे, जनता तो फुटबॉल बना के रखी है राजनीति नेताओं ने। बद्रीनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव 2 साल के अंदर होना है, इसमें जो वर्तमान में विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और रिजाइन कर दिया है, पद से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जनता का ये कहना है कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही वो धीरे धीरे हावी हो रही और जनता इसको नकार रही है कि भविष्य में इस प्रकार के नेताओं से जनता अपना पीछा छुड़वाना चाहती है।